What's up everyone, welcome back to the channel, welcome to the 100 days commerce masterclass. हम लोग आज रिटायरमेंट का वो क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करने के लिए दिया था कि आप ट्राई करो, इसमें हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी. और इसी के साथ हम लोग फिर कैपिटल एडजस्टमेंट्स देख पाएंगे. चार तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट्स, कुछ लोग पाँच भी बोल देते हैं, चार ही हैं, पाँचवीं तो एक्स्ट्रा ही बनी है. कैपिटल एडजस्टमेंट इसके अंदर है, उसको हम आसान से एक एक सवाल के थ्रू करते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे और उसको कवर कर लेंगे. तो चलो जल्दी से सबसे पहले आज ये वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं और चीजें समाप्त करते हैं. लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं बच्चों, क्या क्या बनाना है इस क्वेश्चन में. मैंने आपको करने के लिए दिया था, देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया. रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. आओ सर, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. फिर हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं. और फिर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं. चलो चलो ठीक है सर. रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट डन हो गया. Liabilities, amount, assets, amount. लो सर, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना है. ठीक है, इतना मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लिख लोगे. पार्टनर्स कौन कौन है सर? पार्टनर्स हैं ए बी सी. सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? द फर्स्ट थिंग इज टू ब्रॉट डाउन द बैलेंसेस, राइट? सबसे पहले बैलेंस ही ब्रॉट डाउन कर लेते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सर कितने कितने बैलेंस दिए हैं हमारे पास? ए बी सी पार्टनर्स थे जिनका रेशो 5:3:2 था. उसके बाद बैलेंस शीट दिया हुआ है. बैलेंस है 50, 35, 25. ओके, 50, 35, 25. ये हमारा बच्चों बैलेंस आ गया. उसके बाद क्या है? अब हमारा दूसरा काम होता है बेटा, कोई भी रिजर्व वगैरह है तो उसको बांट देंगे. इधर राइट ऑफ करने के लिए गुडविल दिख रहा है मुझे, तो गुडविल को राइट ऑफ कर लेता हूं 6000 को 5:3:2 में. टू गुडविल 3000, 5:3:2, 6000 था ना, तो 3000, 1800, 1200. लो जी, ये हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी. ठीक है सर, गुडविल राइट ऑफ हो गया. और क्या है उसके बाद? है हमारे पास इधर क्रेडिटर्स है, ईपीएफ है, रिजर्व फंड है. रिजर्व फंड 6000 का रिजर्व फंड है, ये भी बांट देते हैं. 6000 का बच्चों रिजर्व फंड है, इसको भी बांट देते हैं. ये भी 3000, 1800, 1200. ये भी आ गया जी, रिजर्व फंड भी बट गया. उसके बाद क्या दिया हुआ है बेटा? उसके बाद दिया है बच्चों हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2000 रुपये का. क्या वर्कमैन कंपनसेशन वर्कर्स का कोई क्लेम है? गुडविल दिया हुआ है पहले, फिर 5% प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे. स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 10%. पेटेंट आर वैल्यूलेस. बिल्डिंग अप्रिशिएट करना है. क्रेडिटर्स का वैल्यू ये है. तो WCR का कोई भी क्लेम नहीं है. अगर क्लेम नहीं है बच्चों तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना. 2000 रुपये का WCR है 5:3:2 में. बाय WCR 2000 रुपये का है 1600, 400. लो जी, WCR भी आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया, रिजर्व फंड आ गया, WCR आ गया, गुडविल आ गया. डन सर, इतना काम हो गया है. उसके बाद आगे लिखा हुआ है सी रिटायर्स ऑन द अबव डेट एंड पार्टनर्स एग्रीड दैट. देखो बच्चों, सी रिटायर हो गया,
और पार्टनर्स ने एग्री करा, क्या एग्री करा, फिर एडजस्टमेंट्स दिए हैं। तो एडजस्टमेंट मैं गुडविल का सबसे लास्ट में कर लूंगा, पहले बाकी कर लेता हूँ। 5% प्रोविजन बनाना है डेटर पे। डेटर कितने का है? डेटर है 8,000 रुपए का। तो 8,000 पे 5% प्रोविजन बनाएंगे। डेटर है 8,000 रुपए का, इस पे प्रोविजन बनाएंगे 5% 400, तो 7,600 बाहर आ गया। अब जो प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन से लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपए इधर लिखते हैं। चलो सर, और क्या दिया हुआ है? डेटर पे 5% प्रोविजन बना दिया। स्टॉक को एप्रिशिएट करना है 10% से। 40,000 का था, 10% से एप्रिशिएट करना है। 40,000 का था, 10% से एप्रिशिएट करना है, तो 44 हो जाएगा। इधर लिख दूंगा मैं बाय स्टॉक, यहाँ पे 4,000 आ जाएगा। स्टॉक बढ़ा तो फायदा हो गया बेटा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस का मतलब होता है बच्चों जीरो। तो पेटेंट 4,000 के थे, अभी जीरो हो गए हैं, तो 4,000 का घाटा। टू पेटेंट्स 4,000 रुपए का ये घाटा हो रहा है। उसके बाद क्या है बच्चों? ये भी हो गया, उसके बाद क्या है? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो। 60 की थी, 20% से बढ़ाऊंगा तो 12,000 से बढ़ेगी। तो बिल्डिंग हो गया 72,000। बिल्डिंग कितना हो गया बच्चों? 72,000, 20% से बढ़ा दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बिल्डिंग। वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है 12,000 रुपये। चलो, 12,000 रुपये से हमने बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा दिया। उसके बाद क्या है? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये क्रेडिटर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर को बच्चों 2,000 ज्यादा देने हैं। क्रेडिटर 10,000 के थे, 2,000 ज्यादा देने हैं, तो अब घाटा होगा। 2,000 ज्यादा देने हैं और यहाँ पे क्रेडिटर कितने के आ जाएंगे? 10 पे 2,000 ज्यादा देने हैं तो 12,000 रुपए के हो जाएंगे। ठीक है सर, क्रेडिटर की भी बात हो गई। और क्या दिया हुआ है? अच्छा जी, अब रह गया बस मेरा गुडविल। गुडविल की एंट्री क्या होती है बच्चों? गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना। अब देखो, 532 था और सी रिटायर हुआ था, तो ए बी सी 532 था, ये चला गया, तो बस ये दोनों गेन कर जाएंगे, ये सेक्रीफाइस करेगा, तो एंट्री बनेगी ए डेबिट बी डेबिट टू सी, और गेनिंग रेशो इनका हो गया 5:3। तो इसमें हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जल्दी से हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। क्या है गुडविल मेरे पास बच्चा? आ जाओ जी, गुडविल कैसे वैल्यू करनी है? गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। प्रॉफिट फॉर द 4 ईयर्स कितना कितना दिया हुआ है? 14,400, 20,000, 10,000 का लॉस और 15,600। बच्चों लॉस जो होता है तो माइनस होता है, तो एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे? 4 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 4। 14,400 प्लस 20,000 प्लस 15,600 माइनस 10,000, 40,000 आ रहा है बच्चों। 40,000 डिवाइड बाय 4, 10,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो 2 × 10,000 20,000 रुपए का गुडविल आ गया बेटा। गुडविल कितने का आ गया? 20,000, क्योंकि गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। तो गुडविल का एडजस्टमेंट अभी गेयरिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देंगे। ये हो गया, 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 सब हो गया, ठीक है। चलो भाई, क्या है गुडविल 20,000 का आया है। गुडविल है 20,000 रुपए का, तो सी का हिस्सा कितना? 20,000 × 2/10, 4,000 रुपए। 4,000 को 5:3 में बच्चों, 4,000 को 5:3 में 2500 और 1500,
ये हो गया हमारे पास ए डेबिट बी डेबिट टू सी, एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। चलो पोस्ट करते हैं, ए के डेबिट में 2500, बी के डेबिट में 1500 टू सी, और सी के क्रेडिट में बाय ए एंड बाय बी। ये हम गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं, 2500 और 1500, ठीक हो गया बेटा, 2500 और 1500, ये गुडविल भी हमने कर दिया, बस सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है। चलो रिवैल्यूएशन से देखते हैं प्रॉफिट या लॉस। 12 और 4 16 16000 में से 6000 हटाऊं तो 10 में से 4 हटाऊं तो 9600 का प्रॉफिट आ रहा है जो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 9600 को 532 में तो 4800 तो ये हो जाएगा, 9600 × 5/10 9600 × 3/10 2880 1920 तो यहाँ पे 1920 प्लस 2880 प्लस 4800 सही है जी। ये हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया बेटा, 4800 2880 और 1920। देखो डन हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, सी रिटायर हो रहा है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर सी है। मैंने आपको क्या सिखाया था, क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो भी पार्टनर जा रहा है उसका अमाउंट लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी सी का अमाउंट है हम डालेंगे टू सी का लोन अकाउंट। कितना आएगा, 25000 इसने लगाए हुए थे, फिर इसको ये पैसा रिजर्व्स का मिल गया, ये गुडविल का मिल गया, ये रिवैल्यूएशन का मिल गया, तो कितना हो गया, 25000 प्लस 1600 प्लस 2500 प्लस 1500 प्लस 1920 32520 और 32520 में से 1200 हटा दो, 31320 ये हमारा 31320 लोन आ गया। तो सी का लोन 31320 दिखा देंगे बेटा, बाकी दोनों के बैलेंस निकल जाएंगे। टू बैलेंस कैरेट डाउन, 50 53 54 58 800 में से 5500 हटा दो, 53300 और बी का बैलेंस कितना आएगा, 45000 1800 600 2880 40280 में से 1800 और 1500 हटा दो, 36980 लोन आ चुका है। ए और बी का कैपिटल आएगा बच्चों 53300 53300 और 36980। ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का बच्चों कभी बंटवारा नहीं होता, क्योंकि वो एम्प्लॉयज का पैसा है तो वो यहीं रहेगा, एम्प्लॉयज का पैसा पार्टनर घर लेके नहीं जाते। क्रेडिटर आ चुका है, रिजर्व फंड बढ़ गया, डब्ल्यूसीआर बढ़ गया, ईपीएफ 5000 EPF 5000, एसेट में हमने डेटर स्टॉक बिल्डिंग और पेटेंट एडजस्ट कर लिए हैं, डेटर स्टॉक बिल्डिंग और पेटेंट हो चुका है, डेटर स्टॉक बिल्डिंग गुडविल पेटेंट हो चुका है, तो बचा कैश और फर्नीचर, फर्नीचर 13 कैश 2, फर्नीचर 13 कैश 2। आओ जी बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। सर बैलेंस शीट का क्या टोटल बनेगा, 12000 31320 53300 36980 5000 138
600 138 600। तो देखो बच्चों, ऑलमोस्ट सब वही काम है जो आप एडमिशन में करते हो, बस फर्क सिर्फ कहाँ पे आता है। जो पार्टनर जा रहा है या तो उसका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे टू बैंक लिखोगे और बैंक या कैश में से वो अमाउंट माइनस कर लोगे। पैसा ही नहीं है आपके पास, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो लोन में डाल देना और उसको यहाँ लोन के नाम से दिखा देना। बाकी क्वेश्चन वैसे ही होता है जैसे होना होता है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। मुझे उम्मीद है आप लोग को रिटायरमेंट का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं कल से। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ते चलो, कंप्लीट करते चलो और चीज़ों को बेहतर बनाते चलो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।